वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। कोरोना संकट के बीच रूस ने दावा किया है कि उनके वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है। साथ ही वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं। जाहिर है, रूस ने यह दावा ऐसे समय किया है जब कोरोना से अब तक विश्व में 1,28,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और करीब 5,55,000 लोगों की जान जा चुकी है। तो आइए जानते हैं उस वैक्सीन के बारे में। इसे रूसी वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन का नाम दिया है और दावा किया है कि यह विश्व की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन है। दरअसल कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बनाने का दावा रूस की गैमली इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने किया है, जिसका क्लिनिकल ट्रायल सेचेनियो फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में किया गया है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने बताया कि इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशन मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी के डायरेक्टर वादिम तारासोव ने कहा कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सफलतापूर्वक कर लिया गया है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि उसने वॉलंटियर्स पर दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पूरे कर लिए हैं। ऐसे में अगर यह दावा सच निकला तो कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन रूस की तरफ से जारी होगी। वादिम तारासो ने आगे बताया कि मॉस्को स्थित सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी सेचेनोव ने इस वैक्सीन के ट्रायल में पाया है कि वैक्सीन इंसानों पर पूरी तरह से सुरक्षित है। जिन लोगों पर वैक्सीन आजमाई गई है उनके एक ग्रुप को 15 जुलाई और दूसरे ग्रुप को 20 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। यूनिवर्सिटी ने 18 जून को रूस के गैमली इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा निर्मित इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल शुरू किए थे। फिलहाल अभी वैक्सीन के व्यापक उत्पादन के लिए आगे क्या क्या तैयारियां करनी है इसकी रणनीति तय की जा रही है। सेचेनोव यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल पैरासिटोलॉजी ट्रॉपिकल एंड वेक्टर बोर्न डिसीज के डायरेक्टर एलेक्जेंडर लुकासोव के मुताबिक इस कोरोना वैक्सीन के सुरक्षित होने की पुष्टि हो चुकी है। तारासोव ने आगे कहा कि सेचेनोव यूनिवर्सिटी ने महामारी की स्थिति में एजुकेशनल संस्थान के साथ साथ साइंटिफिक व टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर के रूप में भी काम किया है, जो जरूरी व जटिल दवाओं के क्रिएशन में भाग लेने के लिए सक्षम है। गौरतलब है कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस का कहर चरम पर है, लेकिन दूसरी तरफ अब तक 70,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके हैं। ऐसे में अगर कोरोना की वैक्सीन इजाद हो जाती है तो कोरोना से मृत्यु दर और संक्रमित होने के आंकड़ों में भारी कमी आएगी। वहीं भारत, ब्रिटेन समेत दुनिया के कई और देश भी कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पर काम कर रहे हैं। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कोरोना की ये रूसी वैक्सीन कितनी कारगर होगी, लेकिन तब तक आप कोरोना से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।